हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अब आप देख सकते हो आज हमने ब्लॉग के लिए एक दिन चुना है जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, और मैंने पहनी है जबरदस्ती श्रुति की हुड्डी क्योंकि इसने मेरी पहन ली है जो इसने खुद गिफ्ट करी थी, और अब ये मेरे को दे नहीं रही है वापसी। जो मैंने इसको रोके थे, इतना बड़ा चौटाला घूम रहा है, देख लो इसको। यार आपने मेरी हुड्डी क्यों ली? मेरी हुड्डी क्यों ली आपने? मेरी हुड्डी थी, मैंने आपको गिफ्ट करी, मतलब मेरी हुई ना, मतलब मैं क्या वो हूँ? क्या वो बस मैं गाली नहीं दे सकता, अपने आपको गाली देने जाता हूँ मैं। वो होती है आदमी औरत और वो कुछ भी वो हो वो। चल तू बाहर निकल, यहाँ से बाहर चल, बाहर चल। कैमरा तो सेट होनी है इस लेडीज से। So guys, तो शार मुझे कहीं ले जा रहे हैं सरप्राइज पे, धक्के मार मार के यहाँ लाया हूँ। सरप्राइज काहे का सरप्राइज, हम जा रहे हैं, इतने हॉर्न की आवाज आ रही है, पीपनी से बजा रखी जैसे पता नहीं क्या, यहाँ पर नेताजी आ गए हैं। तो शायद मुझे कुछ सरप्राइज के लिए ले जा रहे हैं, तो वो हम आपको जाके दिखाते क्या सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज? आपने तो बोला था काहे का सरप्राइज, मेरी हुड्डी और छीन ली। तो मैंने दी ना आपने, बाल देखो कैसे कर दिए। प्रपोज करोगे बोला था आपने। प्रपोज किसने बोला? शादी से पहले। तो शादी से पहले ना, अभी शादी हो गई, शादी होने वाली है हमारी। से दो दिन पहले ही करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा कोई प्रपोज। दो दिन पहले करोगे? हाँ, सोच के बताऊंगी एक हफ्ते में। फिर सोच के लड़की रेडी बैठी है दो तीन और, फिर उनको बेटे होल्ड से हटा दो, फिर मैं बोलूं। कहाँ जा रहे बताओ? अभी हम जा रहे हैं कीर्ति नगर अपना फर्नीचर देखने। हमने ना वो टीवी तो, चुप करोगी, हमने टीवी तो बुक करा दिया था। मैंने भाई बिगर दहेज की शादी है ये। मैंने क्या होता, हमने मैंने माँ बाप ने नहीं, हमने हमने एक रुपए मिलेगा ना शादी वाले दिन, भिखारी एक रुपए भी नहीं छोड़ रही, कह रही है एक रुपए तो दो। चलो ठीक है, अभी हम कीर्ति नगर जा रहे हैं और फर्नीचर देखने जा रहे हैं, देखो उसको क्या पसंद आता है। कुछ चीजें हमने फाइनल कर दी है, कुछ चीजें रहती है, तो बस वही करने जा रहे हैं। और इस व्लॉग में हम अपनी शादी की डेट रिवील करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। कब करेंगे बता देंगे, बता देंगे। बाय गाइस। तो गाइस को बोल के कि बाहर उतर जा, उतर जा, मैसेज करी जा रही है। यहाँ रखवाऊंगा पेरिस का, पैसे कमाएगी। अभी आए हैं हम कहीं फर्नीचर देखने, देखते हैं क्या पसंद आता है इसको। लेना क्या है आपने? जिस पे सोऊंगी। बेड लेना है, सोफा लेना है? बैड दोनों लेना है। बेड तो बहुत सुंदर सुंदर है, अभी हम नीचे जाके देख रहे हैं इनके कि कौन सा बेड लेना है। चलो बोलने वाले हैं। 40 से स्टार्टिंग है, एंड अभी हमें पसंद आया जो वो लास्ट में है, और अभी इनको हमें साइजेस देने पड़ेंगे कि हमारे एरिया कितना है, उसके हिसाब से कस्टमाइज करके बना देंगे। कौन सा पसंद आया भाई? भाई मेरी शादी है, अभी तो मैं फर्नीचर वाला भी हूँ, बेड वाला भी हूँ, सोफा वाला भी हूँ, सारा हूँ। क्या हो रहा है श्रुति? पता नहीं मतलब क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है? 1.5 लाख रुपए का टीवी बुक करा के आई है, 1.5 लाख रुपए का बेड देख रही है, मतलब क्या हो रहा है ये? मैं दिख नहीं रही। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दुनिया बहुत अमीर है। 1.5 लाख रुपए का बेड कौन लेता है? वैसे 1.5 लाख रुपए का टीवी भी कौन नहीं लेता जिसने बुक कराया, बहुत अमीर है ये। मुझे आधे घंटे से गाड़ी में बिठा के क्या हुआ, और ये अपना बैंड पता कर रहा है शादी का, मतलब दो तीन जगह से प्राइसिंग ले रहा है, बट आधे घंटे से ऊपर हो गया यार। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं मोटी लग रही हूँ। मैं मोटी क्यों लग रही हूँ यार? मेरे को मतलब ये ऐसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक तो मैं सॉरी बहुत ज़्यादा डबल फाइनली चावला बैंड हो गई भाई, आधे घंटे से ऊपर होगा। पता है मैं इसका फोन चला रही हूँ, बैठ कर ही मेरा फोन लेके गया हुआ। अभी एक बैंड वाले का और पता करना है, सिंधी वाले का। तो शायद सिंधी पिंदी भिंडी सब हो गया यार, चल लो भूख लगी है। अरे भैया एक बार बैंड पक्का, हम एंजॉय करने आए हैं। अरे सिंधी बैंड, सिंधी बैंड वाले में गुरुजी बैठे, रुको देख क्या है। गुरुजी बैंड करा दो, बैंड बजवा दो, बैंड बजवा दो गुरुजी। तो 21 बैंड वाले कर रहे मैंने, एक घोड़ी कर ली, बग्गी कर ली, 10 लाइट, ये 4 ढोल, और ये 4 बंदे हैं, ये विदाई के टाइम के। मुझे विदाई के बंदे नहीं चाहिए, सॉरी मुझे ऐसा नहीं, पागल हो क्या ये भाई? बहुत जरूरी है, आखिर ऐसा करेंगे। मैं खुद रोलूंगी, मुझे जितना आ रहा होगा मेरे को ये नहीं चाहिए।
मिले तो ये तो जरूरी है ना। मुझे नहीं चाहिए भाई, काट दो, इसके पैसे कम होते तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं जा, एक्स्ट्रा पैसे चल रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे मजा आएगा, मैं ऐसा रहूंगा तू फालतू दे दूंगा, तुम रो देना इसके को दिखाते गाते। आप रोओगे बता, मैं करूंगा भाई, मैं तो मतलब मैं मतलब पहले से ही बता रही कि मैं तेरे आने के बाद रोऊंगा, मेरी विदाई पे आप भी रोओगे बता दिया, मतलब मैं इसलिए रोऊंगा हाय प्रभु क्या दे दिया है, डील डन है, मेरी विदाई पे आप भी रोओगे। पहली लड़की सुनियो की तो क्या मेरी विदाई पे रो, चुप कराओगे, रोना ही क्यों है तेरे, रोते ही लगेंगे तो गजंड चाहती नहीं, मेरा रोना यहाँ रखा रहता है, आज सुबह भी मैं रोई हूँ पता घर पे, मुझे चाय से याद आ गया था, अब बहुत जल्दी जल्दी था, मैं जिम आई थी ना तो मैं आज रोते हुए आई थी और मेरी आंखें भी सूजी हुई थी, सूजी पर इस आदमी को इतना बेशर्म, इसको रियलाइज नहीं हुआ कि मैं रोके, ना इसने पूछा ना मुझे चुप कराया, इतना इलिटरेट बिहेव। हमारे सामने किसी की गाड़ी बंद हो गई है और ये मेरा ओबीडियंट फियांसे हेल्प कर रहा है, विच इज वेरी नाइस, आई लाइक इट। भाग गया तुषार, मुझको छोड़ के भाग गया, तुषार रुक जाओ, स्टॉप इट, कोई मेरे तुषार को रोको गाइस। अभी इसको छेड़ती, हाँ भाई ऐसे भाग रही थी जैसे बैंड की घोड़ी, सांस चढ़ गई मां के कसम, जैसे वो शादी की घोड़ी करी है ना आपने, ऐसे भाग रहे थे, दिखाऊंगे भी वीडियो। तो हेल्प करना बुरी बात है किसी, हेल्प नहीं, हेल्प तो अच्छी करी आपने, बट ठुमक ठुमक के भाग रहे थे। देखो अभी भी ठुमक ठुमक के चल रहा है। मैं कितना भोला सा प्यारा सा ऐसे देखो कैसे बैठा हुआ हूँ, ये देखिए टेम्पटेशन आइसलैंड जिसका ऑडिशन हमें आया था जब ये शो शुरू होने वाला था, हमने ऑडिशन नहीं दिया क्योंकि हमें पता था शो में ना थोड़ा कपल्स को लड़वाने वाला काम है, और आई स्वेयर हमने ऑडिशन बिल्कुल मतलब हमने हमें ऑडिशन आया था और हमने इसके बारे में पूरा ब्रीफ करा, बट हम समझ गए थे, मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम मुझे और ले जाए, मैं तो शादी से लेना चाहती थी तो मैंने मना कर दिया शो के लिए। और भाई साहब जिस शो में गई नहीं हम गए नहीं है उस शो का पता नहीं क्या देख रही है ये, बट अच्छा है, अब मैं पूरा नहीं देखा सिर्फ फिनाले देख रही, फिनाले आने वाला कौन किसके साथ जाएगा, दैट्स इट, मजा आ रहा है। और मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ जाम के अंदर और ये बैठ के यहाँ पर क्या हो रहा है? बस यही होगा यही होगा। अच्छा हुआ मैं नहीं गया भाई इसमें, वरना मैं बर्बाद हो जाता, मेरी इज्जत खराब हो जाती मैं समाज के अंदर। मेरा बेबी ने मेरा पर्स उठा लिया, बेस्ट हस्बैंड टू बी, उल्टा कर दिया मेरे को। तो उल्टी तो तू पैदा ही हुई थी, लग गई यार, कहाँ लग गई, इलिटरेट पर्सनैलिटी है, चुप, मुझे नहीं रहा अंदर, सर पक गया से गाइस, सारी लड़की आ जाओ, हम आ चुके हैं रूम में और ये देखो इसको देखो, अभी भी इसका मेकअप बंद नहीं हुआ है, अब यहाँ के मेकअप कर रही है, ये क्या है, हेलो कर रही हूँ यार, व्हाट इज दिस, दिस इज मेकअप, वो गिर गया झुनझुना गिर गया नीचे, हो गया रेडी, बस अब हम क्या करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, व्लॉग को पूरा करेंगे और बस इसका पहले मेकअप पूरा हो जाए, या दूरा चुड़ैल की शक्ल है इसकी असलियत में, झुनझुना तो हमारे ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइस मैं बताता हूँ कहानी, इसको छोड़ो, कोई न्यूज़ चैनल अरे सुनो यार करने दो ना, तो अभी हम क्या कहते हैं, अभी हमने टीवी बुक करा दिया, ठीक है, कौन सी कंपनी का कराया, एलजी का, एलजी का, ठीक है, क्यूलिड कराया, एलजी का क्यूलिड, और इतना महंगा टीवी, अच्छा खासा सस्ता टिका हुआ था 40,000 रुपए का, वो इसको पसंद नहीं आया, इसको पसंद आया सीधा 1,00,000 रुपए का, मैंने चल ठीक है भाई तू ले ले सरदर्दी मत कर, ठीक है। सेकंड हम गए फर्नीचर कीर्ति नगर देखने, अब हमने एक बेड फाइनल कराया वहां से, अब बेड आ जाएगा हमारा अराउंड 20-25 को आ जाएगा शायद बेड आ जाएगा। थर्ड हमने कराया मैट्रेस, मैट्रेस भी कर दिया हमने स्लीपवेल का, और फोर्थ हमने करा है बैंड, बैंड मतलब भी फाइनलाइज नहीं हो रहा कि कौन सा करना है, अरे मतलब पक्का नहीं हो रहा यार, ठीक है, हमारा बैंड फाइनल अभी हुआ नहीं, ओ सॉरी बैंड अभी फाइनल हुआ, बैंड हम थोड़ा कंफ्यूज है दो में, चावला और एक राजधानी, दो बैंड है उनमें कंफ्यूजन हो रही है हमें, वैसे मेरी प्रायोरिटी है वो चावला बैंड की है, ये कह रही है राजधानी भी ठीक है क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, राजधानी थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, चावला भाई चावला और खर्चा तो गया,
अभी बहुत खर्चे हैं भाई, बहुत चीजें लेनी है भाई, बहुत चीजें लेनी है। और हम दोनों ना, ये बताओ दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें हम दोनों खुद देख रहे हैं, सारी चीजें खर्चे खुद उठा रहे हैं, जितना भी हमने जमा पूंजी करी थी कमाया है वो सब हम झोंक रहे हैं, ठीक है। और आप लोग तो सपोर्ट, जब आप लोग के पास जमा पूंजी हो जाए तभी शादी करना, घर वालों पे बोझ मत बनना, ऐसे कहना चाह रहे हो आप उन लोग को, शर्म नहीं आ रहा? मतलब ये समझ के सुनो मेरी बात, अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरे एक मतलब छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सोचते हो ना कि 1,00,000 रुपए में शादी हो जाएगी, तो भाई कम से कम 1,00,000 मान के चलोगे तो 4,00,000 रुपए लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जब आप मार्केट में निकलते हो ना पता चलेगा कितनी ज्यादा हर चीज में ना बढ़ा हुआ है रेट और बहुत हाइप है। तो फाइनली आई एम डिस्क्लोजिंग द डेट, अब हमने कर लिया है बैंकेट, हमने कर लिया है बैंकेट बुक। बुक तो हमने बहुत पहले कर लिया था, बट अब डेट रिवील करने का टाइम आ गया है। जैसे कि आपको पता था कि रोका हमारा हो गया है, और अब हमारी शादी की जो डेट है वो है शादी की डेट है 7th of January 2024। तो ठीक है, संडे का दिन है और 7 जनवरी फुर्सत से करेंगे, तो 7 जनवरी को हम कर रहे हैं शादी। आप लोगों की बदौलत, आप लोग इतना प्यार करते हो यार, हमारा प्यार और बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस यही बताना था कि हमने सारी शॉपिंग ऑलरेडी कर ली है, चांदनी चौक के व्लॉग्स आप देख ही चुके हो, और जो नई नई ऑडियंस जुड़ी है हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जुड़ते हो और पूछते हो कि भाई आज व्लॉग नहीं डाला कल नहीं डाला, और गाइस स्पेशली मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूं, जो नए लोग जुड़े हैं ना वो कमेंट्स करते हैं कि हमने अभी बहुत कम टाइम में आपको चैनल ज्वाइन किया और हमें बहुत मजा आ रहा है एवरीथिंग, तो रियली थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और बस थोड़ा लेट हो रहे हैं, और अब हम व्लॉग्स बनाएंगे, अब हम फुर्सत हो गई हमें, हम शॉपिंग में बहुत ज्यादा बिजी थे, अब हमने ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग निपटा दी है, ठीक है। और श्रुति का लहंगा चांदनी चौक से फाइनल हुआ, मेरी शेरवानी भी चांदनी चौक से फाइनल हो गई है, तो सारा। और हमारे ऑडियंस में अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर है किसी के, हाँ, तो वो भी बताना, वो एक, एक वो रह गया भाई। मतलब हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं बट हम कंफ्यूज हैं, तो आप भी सजेस्ट कर दो यार, आप मानोगे नहीं, फोटोग्राफर क्या बोलते हैं भाई, स्टार्टिंग में तो क्या बोलता था, फोटोग्राफर, आप क्या बोलती हो, फोटोग्राफर। तो भाई साहब बंदों की डिमांड सीधा 90,000,00,000 रुपए हर दो गए भाई, इतना इतना पैसा, मतलब क्या, मतलब ऐसा लग रहा है शादी नहीं कर रहा मैं, दूसरों को नोत रहा हूँ। इतना महंगा भाई, इतना तो नहीं होता भाई, इतना बजट क्या, क्योंकि क्योंकि हमने, हमें सिर्फ एक फंक्शन के लिए चाहिए, बाकी हमने बाकी फंक्शन के लिए और किसी को किया हुआ है, तो फॉर वेडिंग डे ओनली। तो अगर आपके नोन में कोई है तो बस आप रेफरेंस दे देना, रेट रेट वर अगर हम डिसाइड कर लेंगे, बट 90,000 वाला मत करना भैया कोई, ठीक है, इतना नहीं है, हम बाद में अच्छे से पोस्ट वेडिंग शूट करा लेंगे, उसमें पैसा खर्च लेंगे, बट इसमें भाई घूमने पे खर्चेंगे ना, घूमने के लिए खर्चेंगे, हम जाएंगे वैष्णो देवी माता का आचरण, चरण स्पर्श, ठीक है, डुगरी भी जाना है हमें, हमें मतलब 2-3 धार्मिक स्थल पे तो जाना ही, उसके बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, बट पहले वो भाई 2-4 महीने बाद जाएंगे आराम से, एकदम से हमें कोई बोल, ये भी बता दिया, 2-4 महीने बाद जाएंगे। सो गाइज लव यू, और बहुत सारा प्यार नई ऑडियंस को, पुरानी ऑडियंस को, ऐसे ही प्यार करते रहो सबसे ज्यादा। मैं देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है, व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कोशिश किया करो बिगर स्किप करे और पूरी वीडियोस देखा करो, और सारे लोग जितने भी देखते हो ना प्लीज उसको लाइक कर दिया करो, कमेंट करा करो अच्छे अच्छे, जो आपका मन करे वो कमेंट किया करो। और इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली थी 2 दिन पहले, आप लोगों ने सबने उसका रिवर्ट करा, और मैंने सारे उसमें से ऑप्शंस ले लिए कि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग किस पे बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के आपने आइडिया दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। So, and guys, we are so close to 100K, so please help us to reach as soon as possible. मतलब हमारा ये है कि दिसंबर के एंड एंड तक हमारे 100K YouTube फैमिली हो जाएगी, so हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे, विद फैमिली करेंगे, जब तक विद फैमिली करेंगे, शादी तो 7 जनवरी की, मैं आप लोगों के साथ करूँगा, ये नहीं कर पाएगी, अच्छा करेगी करेगी, छुट्टी करेगी, इसके पैर दबाने पड़ते हैं छुट्टी के। तो गाइस लव यू ऑल, मुबारक हो आप सबको, हमारी शादी के लिए आपको मुबारक हो, ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहो, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू।